मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। विकी कौशल की सैम बहादुर का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है और ये ट्रेलर देखने के बाद सबके मुंह से ना बस ये निकल रहा है। देखो जोश तो फुल हाई है क्योंकि वन कन्विंसिंग ट्रेलर आई हैव सीन सो फार इज दिस। सैम मानेकशॉ की बायोपिक है, विकी कौशल क्या कैरेक्टर में ढले हैं, साथ में डायरेक्टर मेघना गुलजार है। इस फिल्म में ना वो सभी चीजें हैं जो इसको एक बेस्ट फिल्म बनाने के लिए चाहिए। बात तो सही है। और असली खुशी तो विकी कौशल को वापसी करते देखकर हो रही है क्योंकि बीच में कुछ फिल्मों में जो उन्होंने काम किया है वो उनके फैंस को ना इतना खास पसंद नहीं आए। उरी के बाद अब जाके विकी कौशल उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या एनिमल के साथ क्लैश इस अच्छी फिल्म के लिए नुकसान तो नहीं कर जाएगा? आपको क्या लगता है कि एनिमल या सैम बहादुर कौन बॉक्स ऑफिस पर चलेगा? मुझे कमेंट करके बताएं। एंड कैसा लगा मुझे सैम बहादुर का ये ट्रेलर? दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। आई वांट टू विन। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर आ गया है, डायरेक्टेड बाय वन फाइन डायरेक्टर मेघना गुलजार, जिन्होंने राजी और छपाक जैसी कमाल की फिल्में हमें दी हैं। और जिस तरीके से राजी देखकर थिएटर में बैठा हर वो बंदा वो देश के लिए प्यार फील कर पा रहा था, सैम बहादुर का ये ट्रेलर देखकर भी कुछ ऐसी सी ही फील आ रही है। एंड विकी कौशल, ओह माय गॉड, अब तक फिल्म नहीं आई लेकिन अगर सिर्फ टीजर और ट्रेलर देखकर कहूँ तो ही लुक्स वेरी कन्विंसिंग। जिस तरीके से वो सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर में ढले हैं, कमाल लग रहे हैं। और ट्रेलर में सैम मानेकशॉ के अर्ली यंगर डेज, उनका ओल्ड लुक सभी दिखाए गए हैं और विकी कौशल ने क्या बेहतरीन तरीके से अपने आप को ढाला है। स्पेशली उनके उस ओल्ड वाले फेज में वो बॉडी का झुकाव, हिज वॉक वाज अमेजिंगली परफॉर्म्ड। क्या मैनरिज्म पकड़ा है यार विकी कौशल ने। एंड आई होप कि ये परफॉर्मेंस उनकी उरी के जैसे ही आउटस्टैंडिंग हो। फिल्म में सानिया मल्होत्रा हैं जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, फातिमा सना शेख हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। कास्ट अच्छी है एंड आरएसवीपी के प्रोडक्शन में ये फिल्म बन रही है, जिन्होंने उरी जैसी फिल्में भी हमें दी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना तेजस भी उन्होंने ही दी थी, जो कि काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उरी जैसी बढ़िया फिल्म देने के बाद तेजस जैसा डिजास्टर सेम जगह से आना थोड़ा हजम नहीं हुआ। वैसे हजम तो ये भी नहीं हो रहा कि दिसंबर में दो बड़ी फिल्में रणबीर कपूर की एनिमल एंड विकी कौशल की सैम बहादुर क्लैश करने वाली हैं, क्योंकि यार ऐसे दोनों ही फिल्मों को नुकसान पहुंचता है। अभी गदर 2 और ओएमजी 2 के साथ भी तो यही हुआ था, दोनों बड़ी फिल्में साथ में क्लैश की और कहीं ना कहीं दोनों के नंबर्स पर ही ना फर्क पड़ा था। पर अब क्या ही किया जा सकता है जब दोनों फिल्मों के मेकर्स ने भिड़ने की ठान ही ली है। तो मुझे ट्रेलर काफी अच्छा और कन्विंसिंग लगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी। बस अब डिसाइड ये करना है कि पहले कौन सी फिल्म देखने जाया जाए, एनिमल या सैम बहादुर। वैसे आप कौन सी फिल्म देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड ये ट्रेलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।